टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो वीडियो है क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर जो कि है अ लेटर टू द गॉड। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जे एल फ्लुएंसे, इसमें इसका इंपॉर्टेंट राइटर का जो नाम है आप जरूर खुद से देख लेंगे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, इससे स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वाकई में बहुत ही बेहतर चीज है जिसको सभी को सीखना भी चाहिए। किस तरह से कोई आदमी ट्रस्ट करता है, किस तरह से किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, कैसे कोई आदमी अपने इमोशंस और अपने थॉट प्रोसेस पे इस तरीके से जाता रहता है बिना कुछ सोचे समझे, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टोरी स्टार्ट्स विथ दिस। इसमें एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है लेंचो का, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें नाम तो और कुछ नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सिर्फ है लेंचो। आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा इस वीडियो में, थोड़े साउंड और इसके प्रॉब्लम्स होने के पूरे चांसेस हैं, आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको जो है लेंचो का जो इसमें नाम जो है तो जनरली दिया गया है, सॉरी यहाँ पे टाइगर इन द जू है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लेटर टू द गॉड होना चाहिए। लेंचो जो है इसमें कैरेक्टर है, जो कि लेंचो के ऊपर ही ये पूरी कहानी बेस्ड है। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, देखिए लेंचो क्या है, वो एक फार्मर है जो कि डीप वैली जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना वहां पे रहते हैं, और वो किसान जो है अपने उसी किसानी और खेती से ही पूरे घर और सब कुछ चल रहा होता है। एक समय क्या होता है, वो कॉर्न जो है जिसको हम लोग आप मक्का बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो कॉर्न अपने खेतों में जो है वो डाला रहता है। तो होता क्या है बेसिकली कि उस समय उसको चाहिए होता है बारिश, मतलब कॉर्न को कि एटलीस्ट थोड़ी बारिश अगर हो जाती तो मजा आ जाता। तो रात का समय हो रहा होता है, मतलब थोड़ा सा अभी पूरा डीप नाइट नहीं है, मिड नाइट से भी पहले है। तो उस समय उनकी जो वाइफ है वो अंदर अपना डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, कुछ और बच्चे जो उनके बेटे हैं जो बड़े हैं हल्के वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ और छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपस में जो है खेल रहे होते हैं। तो सिचुएशन क्या होता है, ये सोच रहा होता है कि काश बारिश हो जाती तो मजा आ जाता, लेकिन एकदम से हो जाता क्या है कि रात जय लोग बोलते हैं, वो औरत भी अंदर से बोल रहे होते हैं कि भगवान अच्छा ही करेगा, जो करेगा उसकी दुआ है कृपा है। बट सडनली कल जब वो जाता है तो वहां बारिश की जगह पे क्या है ना, बर्फ गिरने लगता है, जिसको हेल HAIL यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बर्फ गिर जाने से इसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और चूंकि एक कर्ज भी लिया रहता है एटलीस्ट उसको करने के लिए खेती को, तो एकदम से बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है और सोचता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, इस साल हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब एकदम से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो कुछ लोग समझाते भी हैं कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, कम से कम कोई भूखा तो नहीं मरेगा, ये दिमाग में रहता है। लेकिन इसको इतना ज्यादा सताता है ये चीज कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं तो भूखा मतलब कैसे नहीं मरूंगा, ठीक है ना, या तो मतलब एक तरह से बिल्कुल टूट जाता है। तो देखिए इसमें एक लाइन लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है ये सडनली कि नो वन डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, कोई भूखे से नहीं मरता। तो यहाँ पे लेंचो को लगता है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, वो मैं तो मानता हूं नहीं मरेगा, लेकिन इतने सारे मतलब बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो एक लाइन है कि दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग बीन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियस। देखिए कितना सीधा आदमी होता है, कितना सरल आदमी होता है, ये आपको इसमें पता चलेगा लेंचो के कैरेक्टर से। गॉड को लिखता है कि जब सोचता है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब बोलते हैं भगवान ही मालिक है, तो ये गॉड को लेटर लिखता है, मतलब भगवान को चिट्ठी लिखता है। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि वो कितना सीधापन है, यहाँ पे भगवान को चिट्ठी लिखता है कि भगवान मेरे इतने सारे सब कुछ नुकसान हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं खा भी नहीं पाऊंगा, मेरे बाल बच्चे जितने सारे हैं सभी मतलब मर जाएंगे भूख से, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को आप एटलीस्ट इतना दे दें ताकि मेरा जो कर्जा है और सब कुछ हो जाए। तो लिखता है गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉम। तो 100 pesos है, मतलब यहाँ पे पैसे को समझिए जिस तरह से आप 100 rupees समझते हैं, तो पेसोज इज द टाइम, मतलब एक आप इसको समझिए कि एक रुपया का एक डॉलर जिसमें से होता है, उस ढंग से ये है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, तो एक गॉड को लिखता है कि भगवान मुझे 100 pesos चाहिए, अब 100 rupees बस यहाँ मैं समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, चाहिए ताकि मैं फिर से अपनी फैमिली को इस साल दोबारा से सीड इसमें रोप सकूं और फिर से एटलीस्ट एक साल तक इस साल मैं अपने बच्चों और सबको पाल सकूं।
तो यहाँ पे क्या करता है, लिख के और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। अब ये लेटर पहुंचता है वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ए पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचता है, पोस्टमैन वहां लेके जाता है और उसमें वहां पे देखता है तो वेंट टू हिज बॉस एंड लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और जाकर लेटर दिखाता है कि देखो ये क्या लेटर लिखा है कि भगवान मेरा फसल सारा बर्बाद हो गया है, अब प्लीज मुझे 100 पैसे दे दो ताकि मेरा इस बार काम चल जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि सभी जो जितने सारे पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो सब हंस रहे होते हैं। ठीक है, तो हंस तो अब क्या होता है, सारे पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस वाले सब हंस रहे होते हैं उसके लेटर पे कि यार कितना सीधा है बोलापन है ये सारा चीज। अब पोस्ट मैन वाले जो है जितने सारे पोस्ट ऑफिस के मेंबर होते हैं सोचते हैं यार सच में भूखा मर जाएगा इस साल, तो एक काम करते हैं हम लोग भी मिलाकर दे देते हैं। तो इन लोगों ने ना मिला उला के जो है पैसे दे देते हैं, बट पूरे पैसे नहीं होते एग्जैक्ट, मुझे पता नहीं उन्होंने कितने रुपए दिए। अब मैं एक बार सिर्फ बस चेक कर लेता हूँ, पोस्ट मास्टर फैट एमएल फेलो हैज ब्रोकर द लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली कमेंटेड विद फेथ आई विश, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज फॉर हिमसेल्फ, गेव अबाउट हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेटेड टू सम चैरिटी, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पैसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्म ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, he put the money in an envelope addressed to him. तो देखिए क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको 100 दे देंगे, बट बेसिकली होता क्या है 100 इनके पास सभी के पास होता है, तो ये लोग कभी चैरिटी के तरह से जैसे और किसी को देते हैं कुछ उनसे कंसल्ट करके, कुछ इंप्लॉयज के सैलरी से लेके जो इसका पोस्ट मास्टर और जो हेड है इन लोगों ने मिलकर काम कर देता है। तो इन लोगों के पास लगभग उसका हाफ से ज्यादा, 100 का हाफ 50 हुआ मान लीजिए, तो 50 to 60 कुछ समथिंग रुपये होते हैं, मतलब पूरे रुपए नहीं होते, वो लोग भेज देते हैं उसके पास। अब बेचारा उसके पास पहुंचता है काफी खुश हो जाता है, अब वो खुश हो तो जाता है, अब खुश होकर अपना काम बोल, लेकिन उसके बाद वो फिर से एक चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी में लिखता है कि भगवान इसके बाद जब आप मुझे पैसे देना तो डायरेक्टली मेरे पास भेजना, इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना कि ये लोग कुछ पैसे चुरा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे बेसिकली ये देखो कितना सीधापन है, पोस्ट वाले ही भेज रहे होते हैं सब कुछ और फिर भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान अब आप मुझे डायरेक्टली भेजना नहीं तो पोस्ट मैन वाले जो हैं और बीच में ये सब लोग चुरा लेते हैं। और सब लोग ये लोग फिर देख के पोस्ट ऑफिस वाले एकदम मतलब सरप्राइज भी होते हैं, शॉक भी होते हैं और क्या